तो भाई एक बार आवाज सुना दो, आवाज सुनो अपना भाई, पुल सिस्टम भाई कान लो, पता लग जाएगा भाई कितनी एवरेज आ रही है यार। माइलेज पता करने भी बहुत जरूरी थी यार। देखो भाई पूरा फुल करा रहे हैं पूरा ऊपर तक। और भाई ये भी वैसे खा रहा तो खा रहा भाई, हल्का सा उठा लीजिए। तो चल रहे सोनू पाजी के पास में, तो पहले फ्यूल ले लेते हैं, तो पाजी से मिलते हैं, बहुत दिन से मिले नहीं हैं। गोपुरो बोलते, चालू आ गया। ओ भैया थोड़ा साइड करिए तो, साढ़े चार हो रहा है। तो पाजी को पहले ही पता लग जाएगा भाई आ रहा है, तो डेवी किलर खोल दिए। बंद तो वॉशिंग सेंटर गया था सर, तो गर्मी बहुत ही लग रहा है, तो बस निकल रहे हैं। टाइम 5 बज गया है, तो बस चल रहे हैं, तो बस निकल ही रहे हैं। तो दोनों का फुल टंकी करवाते हैं, उसके बाद चेक करते भाई कितना एवरेज देता है, तो माइलेज टेस्ट के लिए भी हम लोग चलते हैं। तो बस अभी इधर से निकल रहे हैं, टाइम लगभग 5 बज गया है भाई, चलते हैं। तो पाजी स्टॉक वाले लगाया हुआ है, तो भूसा में स्टॉक वाले एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो स्टॉक लगा हुआ है तो एक ज़रा लाउड नहीं है, एकदम पूरा साइलेंट है एकदम। तो बस निकल गए, तो जाना है अवेली, जाना है घाटशिला वाला रोड, आगे से फ्यूल लेते फुल करते उसके बाद माइलेज टेस्ट करते भाई। पूरा साइलेंट है एकदम, एक ज़रा साउंड नहीं कर रहा है, तो कोई नहीं है, बस सोनू बाजी अकेले और हम भी अकेले ही है, तो फिलहाल साथ में कोई नहीं है। तो काफ़ी आज मज़ा आने वाला है भाई, चलते हैं, तो बहुत टाइम के बाद ही चल रहे हैं। हैवी बाइक है भाई, तो जितना वीडियोस में नहीं दिखता ब्लॉग में उतना हैवी, तो रियल में बहुत ही ज़्यादा हैवी लगता है। तो फुल करते, तो माइलेज टेस्ट का बनाना है। तो गाइस अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे, तो दोनों भूसा का और अपना बीएम का दोनों का फुल टैंक करते हैं, तो दोनों का माइलेज टेस्ट करना है। तो बाजी हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं? हम लोग करने वाले माइलेज टेस्टिंग, यहाँ पे लगी है भूसा थर्ड जनरेशन और साथ में लगी है BMW S1000RR। आज दूध का दूध पानी का पानी होगा कि कौन सी बाइक कितनी एवरेज देती है, क्योंकि ये पूरी की पूरी परफॉर्मेंस बाइक है भाई, पूरी ट्रैक बाइक है और ये भाई स्पोर्ट्स स्कूटर है, तो भाई माइलेज पे फर्क होगा। टैंक कराने वाले फुल पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं, ठीक है, टैंक फुल होगा फिर 40-50 किलोमीटर चला के फुल करवाएंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, पहले चलते हैं, चलो तो चलते फुल कराते हैं टैंक। जाहिर है अभी तक आ गया भाई, दिखा दे कितना में फुल हो गया, दिखा दे वीडियो में, देखो भाई पूरा फुल करा रहे हैं पूरा ऊपर तक, तो देख लो बाइक पूरा सीधा हो गया है, तो पूरा एकदम फुल। मिस्टेक होगा तो माइलेज पे पता नहीं चलेगा, ये बस और डालिए भाई, कितनी बड़ी टैंक है भाई, कितना का चल गया भाई, तो 1900 पूरा टैंक खाली था, टैंक का तेल तो था थोड़ा सा बट तेल जाते जा रहा भाई, बहुत बड़ा टैंक है भाई, बिना तो 1500-1600 में फुल हो जाता।
2000 प्लस का तेल में फुल हुआ है, तो पहले से भी तेल था, तब तो पेट्रोल पंप तक आया है, तो देखते हैं इसमें कितना में फुल होता है। अपने पे तो भाई बहुत चले गया, तो गोप्रो बहुत ही हीट हो गया था भाई, तो गोप्रो भी ऑन नहीं हो रहा है इतना गर्मी में, ये टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा गोप्रो भी। तो भाई स्टॉगल एग्जॉस्ट है भाई, लाउड नहीं है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बहुत टाइम के बाद ही चल रहे भाई साथ में, तो फिलहाल तो कोई है नहीं साथ में, तो पूरा फुल टैंक कर लिए भाई, टैंक फुल हो गया, व्हीली कैसे मारेंगे अब। तो गाइस देख सकते हो पूरा फुल टैंक है भाई, पूरा का पूरा फुल के फर्स्ट ही बार ही इतना पूरा है भाई, बोलते हैं ना पूरा भाई गर्दन तक फुल कर दिए है। तो पेट्रोल लेने के बाद भाई, फ्यूल लेने के बाद में गाड़ी बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, तो वीली नहीं हो रहा है, तो फुल टैंक में तो बस चलते हैं, हवेली जाना है तो वहीं पर रुकते हैं, उसके बाद वहीं पर रिटर्न होंगे। तो गर्मी भी बहुत ही लग रहा, बहुत गर्म हवा रहा। भाई हायाबुसा वर्सेस BMW माइलेज टेस्टिंग, क्या है असलियत आज देख लो यार, दूध का दूध पानी का पानी। पाजी को माइलेज टेस्ट करना था, तो ये अपना BM पे भाई ट्रिप जीरो नहीं हुआ है, इसलिए इसका भाई फ्यूचर के बारे में उतना नहीं पता आज तक भाई, उतना मतलब अंदर गए नहीं है, चेक वेक नहीं किए है, तो फिलहाल अभी उतना आइडिया नहीं है। तो देख सकते हो भाई सामने से भूसा को, तो जो भाई वीडियोस में दिखता है वो उसमें रियल में बहुत ही अंतर है, भूसा में काफ़ी भाई बहुत ही ज़्यादा है। दोनों में क्रूज कंट्रोल 23 पे, भाई का पता नहीं आगे निकल गया, तो ज़्यादा स्पीड में है। हम लोग माइलेज टेस्ट करने आए हैं, हवेली ढाबा पे रुकते हैं, तो वहाँ से जब रिटर्न होंगे तो पेट्रोल पंप में फ्यूल लेते हैं, देखते कितना और जाता है। तो पाजी भी फुल कराए थे, हम भी फुल करा लिए थे, तो चेक करते दोनों में कितना पेट्रोल कम हुआ है, दोनों टैंक फुल है, कितना फ्यूल कम हुआ है। 15 किलोमीटर आ गए तो थोड़ा सा फ्यूल कम हुआ, आने टाइम लेंगे। तो पूरा फुल करके आए थे, पूरा 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 बैग पूरा फुल हो गया था, भूसा में भी RPM में लगभग 15 किलोमीटर आए, तो देखे कितना कम हो गया है, कितना का और फ्यूल अभी हटेगा, आगे पेट्रोल पंप पे लेते हैं, तो कितना का एवरेज दे रहा पता लग जाएगा। थोड़ा दूर और है पहुंचने वाले हैं हवेली, 6 बजने वाला है, तो लगभग 10 मिनट बाकी है, 6 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है। लाउड तो इतना ज़्यादा है भाई, एरो का फुल सिस्टम बहुत ही लाउड है, तो बहुत ज़्यादा कान में लगता है। Thank you.
मैक्सिमम मेरा हाइट है उतना, और भूसा में 5 फीट 2 इंच भी रहेगा तो हाइट पहुंच जाएगा, बट वो भारी ज़्यादा है इसलिए उसका हाइट कम है, तो ये उससे भारी कम है, उससे ज़्यादा भूसा का वेट बहुत ही ज़्यादा है इसलिए उसका हाइट कम है सीट का, और इसका वेट कम अपना बीएम का इसलिए सीट का हाइट थोड़ा ज़्यादा है। तो गालूटी वाला टूल के पास पहुँच ही गए है, तो हवेली बस इसके पास टूल के बाद ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। हम लोग गालूडी टूल टैक्स के पास में, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है, पूरा पसीना पसीना हो गया, तो यहाँ पे भाई सिनेमेटिक निकाल रहे थे, तो थोड़ा कुछ देर के बाद अंधेरा हो जाएगा, तो देख लो अभी निकलेंगे, बस आगे चलते हवेली, चलते इधर से। शाम हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, क्या 6-10 हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, तो बस जल्दी निकलेंगे इधर से, देखते हैं कितना पेट्रोल कम हुआ है, तो फ्यूल लेंगे आने टाइम वहीं से, तो वहां से रिटर्न होंगे, पेट्रोल पंप पे फ्यूल लेते हैं, कितना फ्यूल कम हुआ है फुल टैंक के बाद में, कितना किलोमीटर टोटल चला चेक करते हैं। बस हवेली पहुंच ही गए, तो आज बहुत ही मज़ा आ गया, हवेली ढाबा पहुंच ही गए, तो आगे पेट्रोल पंप पे रुकेंगे, वहीं से फ्यूल लेंगे, चेक करते कितना कम हुआ है। तो देख लो यहाँ से दालमुंगड़ है 23 किलोमीटर, बैरागोड़ा 55, तो लगभग घाटशिला पहुँचने वाले हैं, अभी गालूडी पे हैं। बहुत ही ज़्यादा लाउड करता भाई एरो का एग्जॉस्ट, फुल सिस्टम पूरा कान में लगता है, आज ही तो पूरा स्टॉक लगा दिए है। स्कूटी वाला आया, बहुत ही भयंकर चला रहा है, पता नहीं कौन है भाई, पूरा खा के टाइट है, बहुत ही खतरनाक चला रहा है, तो देख रहे हो भाई कस के ब्रेक मार रहा है। तो दोनों पे भाई देखते हैं कितना का पेट्रोल और जाता है, बाकी तो पूरा फुल करके आए थे, भूसा पे कितना और अट रहा है भाई, जबरदस्ती पूरा, मतलब जितना जगह था भाई पूरा दबा के भरे थे पेट्रोल, कितना चल गया अभी तक 66, लो चेक करो भाई पूरा जा रहा है भाई, अभी भी और डालिए, गाड़ी को सीधा करना पड़ेगा, यस अब ठीक है, अब जा रहा है, डालिए थोड़ा दूर रखो, गर्मी बहुत है, नाक ना लग जाए। क्या भैया, क्या बोले, सेलेस्टर पाइप कार का भी इतना बड़ा नहीं होगा यार, कार का भी नहीं इतना बड़ा ना, आप तो चलाया उधर, हम देखा टाटा पार करते हैं, तो आदमी को डरा देगा, फिल्म में देखा था, फिल्म में देखे थे, लेकिन रियल में देख लिया आपको, बाइक उठा के ऐसे चला, रियल में देखे थे, हां जी क्या बोल रहे हैं, हम ऐसे तो फिल्म में देखा था, रियल में आज देख लिया, देख लिया कैसा लगा, मजा आया, मजा क्या, डर लगा तो मजा आ गया, डर गए, अरे कितना का पता आपको, फिर भी बताइए कितना का होगा, होगा पहले तो 17 लाख होगा, 40 लाख जैसे, नहीं 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 आपके गाड़ी से कम है, 35 लाख कितना गाड़ी है भाई, पेट्रोल 150 150 का आया है, पूरा ऊपर खत्म 150 में, 4 लीटर पे आया है, और बाइक क्या बोले, हम लोग टाटा से, ओ टाटा से, हां जैसे पार्क किया ना वहीं, अडिमना चौक, हां अडिमना चौक, तो 150 रुपए का पेट्रोल और लगा है भाई फुल टैंक करने के बाद में, तो जहां पे फुल करवाते यहां मतलब लगभग कितना किलोमीटर आ गए भाई हम लोग, 31 किलोमीटर लगभग हम लोग यहां पे पहुंच गए, तो फ्यूल ले रहे, देखते हैं कितना मतलब कितना खर्च हुआ भाई, तो कितना पेट्रोल चला देखते हैं, कितना चल गया अभी तक, ठीक है थैंक यू, कम से कम
20 लाख और वो कितने का होगा? मगर बाजी अंदाजा गलत नहीं लगा रहे कुछ नहीं। लगा रहा है वो कितने? ज्यादा होगा 25 से 20 बस उल्टा है दोनों का तो भूसा पे 150 का पेट्रोल लगा है और अपना बीएम पे 100 का पेट्रोल लगा है। तो बस अभी इधर से निकल रहे, शाम अंधेरा होने वाला है तो बहुत ही टाइम हो गया तो बस चल रहे। तो देख लीजिए सोनू भाई पूरा हेटा कर रहा है, भाई वीडियो बना रहा है। तो भैया बोल दिया बीएम जीतेगा, भाई बोल दिया भूसा जीतेगा। तो अब हम लोग लॉन्च कंट्रोल करने वाले हैं तो निकल रहे, टाइम हो गया 6:30 हो गया, अंधेरा होने वाला है भाई पूरा अंधेरा, लगभग थोड़ा देरी पे अंधेरा हो जाएगा तो बस चल रहे। तो GoPro का बैटरी डाउन ही हो गया भाई, बहुत ही गर्मी है तो लॉन्च कंट्रोल करते हैं। तो देख लो भाई ओ भैया बोल रहे BMW जीतेगा, भाई लोग बोल रहे भूसा जीतेगा। तो देख लो भाई का तो भाई एक बार सुना दो, एक बारी। तो भाई आवाज सुनो अपना भाई, फुल सिस्टम भाई कान दर्द दे दे रहा भाई। तो देख रहे हो कितना लाउड है। चल भाई GoPro का बैटरी डाउन हो गया, क्या बोल रहा? तो लॉन्च कंट्रोल भाई ऑन कर लिए है भाई। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है लॉन्च कंट्रोल देख लो। नेक्स्ट बारी अच्छा से करेंगे भाई लॉन्च कंट्रोल। ओ भाई तो भाई काफी आज मजा आ गया। तो भाई भगाते गाड़ी को ठीक है दो गियर से। पावर में भूसा नहीं सकती है, बाकी भाई एक नंबर है। तो चला जाए, तो चल रहे भाई भूसा चला रहे अब सोनू बाजी BMW। तो बाजी BM चलाएंगे अब भूसा चलाते हैं, तो मजा आ जाएगा यार। भाई फर्स्ट गियर में कितनी जा रही है भाई पता नहीं यार, बहुत भाग रही है यार, आगे आगे हायाबुसा चल रही है। बहुत मजा आया यार आज, पूरी की पूरी पावर टेस्टिंग वाली वीडियोस हो गई है और आप आई होप आप लोग अच्छी लगी हो। दोनों की माइलेज टेस्ट भी करी थी भाई भूसा और BMW के,